जिले के सामर कस्बे से है। कस्बे में लगातार चोरों की दोबारा होती नजर आ रही है चोरियां एवं मुख्य मार्गों एवं बाजारों में लगातार चोरी की वारदात होने से व्यापारियों में रोष व्याप्त है। जानकारी के अनुसार कस्बे में लगातार चोरों की चोरी को वो पौ 12-25 काकड़ा मिलता नजर आ रहा है। कुछ समय पूर्व कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर लगभग एक दर्जन दुकानों के केविन ओके ताले टूटकर वह आज कस्बे के गोला बाजार में मुख्य दुकानों के ताले टूटने की घटना से सामर कस्बे के व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त हो गया है एवं व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाना प्रारंभ कर दिया है। वह कुछ व्यापारी धरना प्रदर्शन देने की चेतावनी भी दे चुके हैं। चोरी की सूचना के बाद पुलिस थाना प्रभारी राजीव कुमार मौके पर पहुंचे। वह व्यापारियों से वार्तालाप की। थानाधिकारी ने व्यापारियों से कहा कि आप संगठन बनाकर हमारे साथ लगें, इससे चोरी की वारदात रोक पाए। वहीं व्यापारियों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि चोरी की वारदात होने पर रिपोर्ट देने जाने वाले की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है एवं इस गासे के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ती है।